बड़ा त्यौहार हिंदुस्तान की सरजमी पर शुरू हो चुका है। 12 साल बाद भारत फिर से वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। क्रिकेट के इस महाकुंभ में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका। 45 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के सभी 48 मुकाबले भारत के 10 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। चलिए इन स्टेडियम के वनडे आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। भारत चौथी बार वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब वनडे वर्ल्ड कप का पूरा आयोजन भारत में ही होगा। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के सभी 48 मुकाबले 10 अलग अलग मैदानों पर खेले जाएंगे। इन शहरों में होंगे वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, धर्मशाला, पुणे और लखनऊ। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थित ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले मोटेरा स्टेडियम कहलाता था। 1984 में यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था। 2015 में स्टेडियम को दोबारा नए ढंग से बनाने पर काम शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी स्टेडियम 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ। इस खूबसूरत स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही 2023 वनडे वर्ल्ड कप का उद्घाटन और फाइनल मैच खेला जाना है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला भी इसी मैदान पर होगा। मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम की स्थापना 1974 में हुई थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 1975 में यहाँ पहला टेस्ट मैच हुआ। 2011 वनडे वर्ल्ड कप से पहले इस ऐतिहासिक स्टेडियम को फिर से बनाया गया और इसकी दर्शक क्षमता भी बढ़ाई गई। अब इस मैदान पर करीब 40,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। इसी मैदान पर भारत ने 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। कोलकाता में स्थित ईडन गार्डन स्टेडियम भारत के सबसे पुराने मैदानों में से एक है। 1864 में स्थापित किया गया ईडन गार्डन स्टेडियम भारतीय क्रिकेट से जुड़ी कई सुनहरी यादों को अपने भीतर समेटे हुए। ये भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसे भारतीय क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। 1934 में यहाँ भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था। वहीं 1987 में यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला हुआ था। 2011 विश्व कप से पहले स्टेडियम की मरम्मत की गई थी। इस मैदान पर भी वनडे वर्ल्ड कप के कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को 1883 में बनाया गया था। 2019 में इसका नाम बदलकर दिल्ली क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। 10 नवंबर 1948 को यहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच के रूप में पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया, जबकि 1982 में भारत और श्रीलंका के बीच इस मैदान पर पहला वनडे मैच हुआ। दिल्ली में भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलना है। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ इसी मैदान पर खेलते हुए अनिल कुंबले ने एक ही टेस्ट पारी में 10 विकेट चटकाए थे और इतिहास रच दिया था। 2009 में भी इसी स्टेडियम को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब भारत और श्रीलंका के बीच एक वनडे मैच को बीच में ही रद्द करना पड़ा और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्टेडियम पर 12 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि 2011 में क्रिकेट स्टेडियम ने वनडे विश्व कप के मैचों की मेजबानी की और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। चेन्नई का एम चिदम्बरम स्टेडियम 1916 में बनकर तैयार हुआ था। ये चेन्नई के चेपॉक शहर में स्थित देश के सबसे पुराने स्टेडियम्स में से एक है। ये मैदान भी भारत की कई यादगार जीतों का गवाह बन चुका है। इसे पहले मद्रास क्रिकेट क्लब के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एम चिदम्बरम के नाम पर रखा गया। 1934 में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हुआ, जो इस मैदान पर पहला इंटरनेशनल मैच भी था। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1987 में यहां पर पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था। बेंगलुरु में स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की स्थापना साल 1969 में हुई थी। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष मंगलम चिन्नास्वामी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। 1974 में यहाँ भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था। यहीं वेस्टइंडीज के दिग्गज गॉर्डन ग्रीनीज और विवियन रिचर्ड्स ने डेब्यू किया था। इस मैदान पर 1982 में भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया। लगभग 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम ने 1987, 1996 और 2011 के वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी की है। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम 2004 में बनकर तैयार हुआ था। 2005 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यहां पहला वनडे मुकाबला हुआ, जबकि साल 2010 में यहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया। 16 एकड़ में फैले स्टेडियम की क्षमता 55,000 है। यह स्टेडियम पहली बार आईसीसी के इवेंट की मेजबानी करने के लिए भी तैयार है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ों के बीच स्थित यह स्टेडियम दुनिया के सबसे सुंदर क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। लोकेशन और वेन्यू के लिहाज से दुनिया के खूबसूरत मैदानों में से यह स्टेडियम एक है। 2013 में भारत और इंग्लैंड के बीच इस मैदान पर पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था। 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहां पहला टेस्ट मैच खेला गया। 2017 में ही खेले गए अंतिम वनडे मुकाबले के बाद से ये मैदान आप सीधे वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करता हुआ दिखाई देगा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में 2017 में स्थापित हुआ था। ये भारत का पांचवा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी क्षमता करीब 50,000 दर्शकों की है। 2018 में यहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच
पहला टी20 मुकाबला खेला गया था। 2019 में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच इस मैदान पर पहला टेस्ट मैच और पहला वनडे मैच खेला गया था। ये स्टेडियम भी पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम साल 2011 में बनकर तैयार हुआ था। स्टेडियम में लगभग 37,406 लोगों के बैठने की क्षमता है। 2012 में यहां भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया। 2013 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहां पहला वनडे मैच हुआ। 2017 में यहां पर टेस्ट मैच भी खेले गए। ये मैदान पहली बार विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारत के इन खूबसूरत मैदानों पर हिंदुस्तान की टीम के सामने 12 साल बाद तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप का बादशाह बनने की चुनौती भी है और करोड़ों फैंस का सपना भी है।